हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट चैप्टर 10। ओके, हम लोग एक बार हमारा जो चैप्टर 10 है, बिफोर हमने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमने अपने टीथ के बारे में पढ़ा था, अपने टंग के बारे में पढ़ा था कि टीथ हमारे कौन से टीथ होते हैं, मिल्क टीथ कौन से होते हैं, परमानेंट टीथ कौन से होते हैं। ओके, और ये कब हमारे जो टीथ हैं कब कौन सी एज में आते हैं, जो हमारे मिल्क टीथ होते हैं वो हमारे फर्स्ट से लेके सिक्स ईयर तक के हमारे जो मिल्क टीथ होते हैं, सिक्स के बाद जो हमारे परमानेंट टीथ आते हैं। ओके, तो जो हमें अपने टीथ का कैसे साथ संभाली सारा हमने पढ़ा था। अब हमने जैसे सेकंड पार्ट में पढ़ा था कि आवर टंग, कि टंग का यूज क्या है, विदाउट टंग के हम लोग बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं, है ना। हमें अपने वर्ड्स को बोलने के लिए टंग की जरूरत होती है, वो हमें हेल्प करती है हमारे वर्ड्स को बनाने में। ओके, प्लस सेकेंड थिंग क्या है टंग का हमारा, कि वो हमें टेस्ट का बताती है कि कैसे उसके जो बर्ड्स बने होते हैं, आपने देखा होगा पिक्चर्स में कि उसके जो ऊपर एक छोटे छोटे कोर से बने रहते हैं। ओके, तो वो हमारे बर्ड्स कहलाते हैं, हमें वो टेस्ट के बारे में बताते हैं कि कौन कौन सा टेस्ट हमें स्वीट है, स्वीट आ रहा है, सॉल्टी आ रहा है, सॉर एंड बिटर, कौन सा टेस्ट हमें अच्छा लग रहा है ना। तो ये हमारी टंग का वो है काम कि बिटर है, सॉर है, सॉल्टी है एंड स्वीट टेस्ट रीजन है। आपने देखा होगा कभी भी आप मिरर के आगे खड़े होकर अपनी टंग को पहचानने की कोशिश करें कि हमारे कौन कौन से वहाँ पे बर्ड्स बने हुए हैं, उसके थ्रू हम लोगों को टेस्ट का पता लगता है ना। और हमें अपनी टंग का कैसे केयर करना है, कि हमें प्रॉपरली अपने टंग को टंग क्लीनर से साफ करना चाहिए, अदरवाइज आपको टेस्ट नहीं आएगा और मुँह से स्मेल आएगी। ओके, तो हमें जब भी हम कुछ खाते पीते हैं तो हमें अपने माउथ को रिंस करते रहना चाहिए क्लीन वाटर से, और हमारे टंग को टंग क्लीनर से भी, ब्रश के साथ में टंग क्लीनर से भी उसको साफ करना चाहिए, अदरवाइज हमारे टेस्ट आने बंद हो जाएंगे। ओके, और हमें जो टंग गैस कवर द बैक्टीरिया विद द ग्रोथ, जो हमारे अगर हम टंग साफ नहीं करेंगे तो हमारे टंग में बैक्टीरिया हमारे जो दांतों में है वो हमारे मुँह में डिजीज बनाना शुरू कर देंगे, कैविटी बनाना शुरू कर देंगे। इसलिए हमें कुछ भी खाते पीते हैं तो हमें रात में सोते टाइम लास्ट में हमें ब्रश करना है और टंग क्लीनर से जीभ साफ करनी है। ओके, अब हम चलते हैं बीक के बारे में। तो ये तो हमारे सारे पार्ट्स ऑफ बॉडीज के बारे में, टंग हमारा एक ऑर्गन है, है ना। तो ये हमारी सारी चीज़ों के बारे में अब हम पढ़ेंगे बीक के बारे में, यानी बर्ड्स के बीक के बारे में, कि बर्ड्स की बीक क्या काम करती है। ओके, देखिए आप, लाइक द एनिमल्स बर्ड्स ऑल्सो ईट फूड, हाउएवर दे डू नॉट हैव टीथ टू बाइट कट एंड च्यू, देयरफॉर दे हैव अ हार्ड हॉर्नी पार्ट्स ऑफ द माउथ कॉल्ड द बीक। द बीक एंड बीक्स आर द स्पेशली डिजाइंड टू हेल्प देम गैदर टू कैच देयर फूड। द शेप ऑफ साइज ऑफ द बर्ड डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ फूड दे ईट। ओके, अब आप देखिए, पहले को मैं आपको बर्ड्स की आपको वो दिखाती हूँ, बीक दिखाती हूँ कि कैसे कैसे बर्ड्स की कैसे कैसे बीक्स होती हैं। ओके, ये देखिए, इसकी जर्नलिस्ट इंसेक्ट्स कैचिंग, इनकी जैसे जो छोटी छोटी बीक होती है वो इंसेक्ट्स कैच कर सकती हैं ओनली, और ये ग्रेन जो दाना वाना खाने के हैं, जो ग्रेन्स वगैरह होते हैं उनको ईट करती हैं। ओके, और कॉर्नफ्लावर सीड्स ईटिंग इनकी, देखिए जिसकी छोटी छोटी चोंच है वो ओनली बस ग्रेन्स और इंसेक्ट छोटे छोटे से कीड़े पकौड़े पकड़ सकती है। ओके, और जिनकी जैसे काफ़ी घुमावदार है नेक्टर फीडिंग और प्ले ईटिंग फ्रूट्स वगैरह जैसे हैं वो खाने, इनकी चोंच देखिए आप अलग अलग से, इनकी बीक कितनी बड़ी बड़ी दिखाई दे रही है आपको, चेजिंग से डिप्टा जैसे आपने देखा होगा, सारा देखा ग्रेन देखा होगा कितनी लंबी इनकी बीक होती है, तो ये इजीली पानी में खड़ी होकर फिशेज वगैरह पकड़ सकती हैं। ओके, सरफेस ऑफ द स्किमिंग एंड साइकिलिंग, इन सब की देखिए कितनी बड़ी बीक है, ये सारी बड़ी बड़ी जो वो हैं बड़े बड़े जैसे जानवर्स वगैरह होते हैं, स्नेक्स वगैरह हैं या फिशेज वगैरह हैं, तो उनको ये पकड़ सकती हैं इजीली। ओके, नेक्स्ट देखिए आप इधर, टाइप ऑफ बर्ड्स ऑफ बीक्स, अब देखिए आप इनकी बर्ड्स की बीक देखिए, सबकी अलग अलग है। ईगल्स की कितनी टर्न करी हुई है बिल्कुल, ये किसी भी चीज़ पर आराम से इजीली पकड़ के उसे काफ़ी देर तक हैंग कर सकती है। ऐसे हमिंग बर्ड्स से, हमिंग बर्ड्स की भी आपने देखा होगा कि छोटे से जो उनका एक जो उनका घोंसला होता है, जो उनका घर बना हुआ होता है, वो लटकता रहता है ना, और ये ओनली बर्ड्स, ये बर्ड्स ओनली फ्लावर्स की जूसेस पीती है ओनली, है ना, उन फ्लावर्स का रस लेती है, तो इसलिए इनकी बीक बहुत लंबी होती है और ये उड़ती ही रहती है सारे टाइम में। ऐसे ही देखिए आप किंगफिशर, जो कि ओनली चिपकली वगैरह पकड़ता है ना, तो इसकी इसकी बीक भी बहुत फ्लैट और लंबी होती है। ओके, ऐसे ही डक है, डक डक की फीस वो भी देखिए आप कितनी चपटी और चौड़ी लंबी है ना। ऐसे देखिए रेड क्रॉसवेल, स्पैरो, स्पैरो है बिल्कुल छोटी, लेकिन इंसेक्ट्स वगैरह पकड़ती है। ओके, रेस्पोनिल्स आगे देखिए आप। ओके, तो अब हम चलते हैं आगे कि हम इनकी बीक्स कैसी होती है। ओके,
तो जैसे एनिमल्स पर्स अपना खाना खाती हैं, हाउएवर दे डू नॉट हैव योर टीथ, जबकि इनकी टीथ वगैरह नहीं होती, ये ओनली बीट से ही उनको प्रेस करके खाते हैं। टू अ बाइट कट द चिवड़ा देयर फूड, अपना खाना जो है उस बीक से ही उसको तोड़ के और मैश करके उसको खाती है। ओके, दे हैव ए हार्ड, अब आपने देखा होगा कि कितनी हार्ड होती है, पैरेट्स वगैरह की भी आप देखोगे कितनी हार्ड बेग होती है। ओके, तो ये हर तरह के नट्स वगैरह खा सकते हैं। हार्डनेड पार्ट ऑफ द माउथ कॉल्ड बीक, द बीक आर द स्पेशली डिजाइन टू हेल्प देम द गैदर टू कैच देयर फूड। सबकी जितनी भी बर्ड्स वगैरह हैं, हम सबकी भी अपने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग बनी हुई है कि कौन से छोटे जानवर इंसेक्ट्स खाते हैं, कौन से बड़े जानवर खाते हैं, तो उनकी बीक भी उसी अकॉर्डिंग बनी होती है। ओके, शेप एंड साइज उसी तरह बना होता है उनका। द बर्ड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फूड दे, उनकी डिपेंड करती है इसकी कि उनकी कैसे उस पर बनी हुई है, उसी तरह से वो अपना फूड को, उनकी बीक वैसी बनी होती है कि जैसा उनको फूड पसंद होता है। ओके, अब आप देखिए टाइप्स ऑफ बीक्स। ओके, देखिए इधर टाइप्स ऑफ बीक, सिजलिंग बीक कैसी होती है, सिजलिंग बीक देखिए आप। वुड पिकर हैज ए, वुड पिकर जो होता है, हैज ए शार्प स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग बीक। आपने देखा होगा कि पेड़ों की जो आपने जो स्टेम होता है कितना हार्ड होता है, पेड़ों का हार्ड आप इजीली उसको नहीं काट सकते बिना कोई तीखी चीज़ से, है ना। लेकिन जो वुड पिकर है वो आराम से इजीली उसमें एक छेद कर सकता है इजीली बिल्कुल। जैसे आपने देखा होगा पेज कैसे स्टेप पे आप हथौड़ी से अगर मार के तब जाके छेद होता है, लेकिन ये इजीली उस स्टेप पे आसानी से छेद कर लेती है क्योंकि इनकी बीक इतनी लॉन्ग है, शार्प होती है। इट इजी इज द बीक टू पीक द वुड एंड मेक अ होल, और आराम से इजीली वो एक होल बना लेती है इन द ट्री। ओके, द ट्रंक फॉर द मेकिंग इन हिज नेस्ट, इट ऑल्सो द कैच इंसेक्ट्स प्रेजेंट इन द वुड विद द बीक। ओके, अब आप देखिए जो तना है उसमें इजीली ये होल कर लेती है और अपना नेस्ट बना लेती है उसके अंदर। आपने पैरेट्स वगैरह देखा होगा, लेकिन पैरेट्स उनको क्या होता है उसमें ऑलरेडी उन लोगों को बना बनाया होल मिल जाता है, वो होल नहीं कर सकता उसके अंदर। बट जो वुड पैकर है वो अपना इजीली होल बना लेता है और अपना नेस्ट बना लेता है उसके अंदर। इट ऑल्सो द कैचेज द इंसेक्ट्स एंड प्रेजेंट इन द वुड विद द विद इट्स बीक, और वो क्या करता है कि अपने जो इजीली आराम से इंसेक्ट्स वगैरह पकड़ लेता है और वुड इंजन बीक अपने उस लकड़ी के अंदर उसमें होल के अंदर बैठे बैठे इंसेक्ट्स बैठ के एट कर लेता है। ओके, अब आगे देखिए स्टिकी बीक। स्टिकी बीक कैसी होती है, जो उनके एक तरह से स्पैरो हैज ए स्मॉल एंड ब्रॉड बीक विच इज स्टिकी इनसाइड द हेड फॉर बर्ड टू कैच फ्लाइज विद फ्लाइंग। ऐसी जैसे स्पैरो है आपके घरों में दिखाई देती है, स्पैरो छोटी छोटी सी जो आपने साइड में देखी है उसमें पिक्चर में भी दिखाई दे रही है, ऐसी बर्ड्स आपके आसपास में घूमती नजर आएगी जो स्मॉल होती है और उसकी भी ब्रॉड होती है, छोटी और ब्रॉड होती है। ओके, ब्रॉड यानी चपटी सी थोड़ी, विच इज अ स्टिकी इनसाइड, इट हेल्प्स टू बर्ड टू कैच द फ्लाइज वाइल फ्लाइंग। अब ये क्या करती है, उड़ती भी जो फ्लाइज वगैरह हैं उनको आसान से पकड़ लेती है क्योंकि इनकी जो बीक होती है इनकी साइड पे एक चिपचिपा पदार्थ होता है, उससे वो उनके मुँह में चिपक जाता है। जैसे ही इंसेक्ट्स पकड़ती है वैसे इनके मुँह पे वो इंसेक्ट्स चिपक जाता है और वो इजीली उसको ईट कर सकती है, है ना। तो बर्ड कैच द फ्लाइंग वाइल द फ्लाइंग, उड़ते हुए उसको भी ये आसानी से पकड़ लेती है इंसेक्ट्स वगैरह को। अब देखिए शिफ्टिंग बीक। शिफ्टिंग बीक यानी एक झरना टाइप का, देखिए डक हैज ए फ्लैट ब्रॉड बीक। शिफ्टिंग मतलब एक तरह से जैसे आप झूला वगैरह झूलते फिसल पट्टी टाइप के होते हैं ना, ऐसे स्लॉपिंग वाली बीक होती है डक। जैसे आप डक की है, डक की कैसी है, फ्लैट एंड ब्रॉड बीक विद स्मॉल होल्स ऑन द बोथ साइड। व्हेन इट पिक अप द फूड फ्रॉम द वाटर द होल्स इन इट्स बीक shift the mud and water leaving the food and behind it। अब आप देखिए वैसे तो इनकी जो बीक के ऊपर जो छेद दिखाई देते हैं वो उनको सांस लेने की नोज के वो होते हैं इनके छेद, है ना, उसके अंदर ताकि पानी आ सके और वो इजीली बिना मुंह खोले उससे सांस ले सकते हैं। लेकिन डक क्या करती है, जैसे वो पानी के अंदर से अपने जो इंसेक्ट्स वगैरह पकड़ती है, मछली वगैरह पकड़ती है, पिक द फूड अपना जो फूड पकड़ती है, वाटर द होल्स इन दिस बीक shift and mud to water leaving it food behind it। तो उससे क्या होता है उनका जो खाना है वो एकदम से पूरा मुंह अपना ढो लेती है और उसके अंदर अपना भोजन अपना पकड़ लेती है उस बीक के अंदर, और जो उसके बीक के पूरी अंदर पानी के अंदर चली आती है, उससे वो अपना जो बर्ड है कीचड़ है किसी भी से भी अपना इजीली खाना ढूंढ लेती है वो। ओके, अब देखिए टियरिंग बीक। टियरिंग यानी फाड़ने वाली, उसके मतलब किसी भी चीज़ को टियर करना, फाड़ना उसको। ओके, तो फ्लैश जो भी फ्लैश वगैरह खाने वाले पक्षी हैं वो लोग उनकी टियरिंग बीक होती है। ओके, देखिए आप
अ फ्लाई सिटिंग बर्ड लाइक अ ओवल ईगल एंड वल्चर। अब आपने देखा होगा कि इनकी कैसी होती, एकदम लंबी और आगे से थोड़ी सी मुड़ी हुई, तो ये किसी भी चीज़ को आसानी से क्लियर कर लेते हैं। कोई भी बड़ा से बड़े जानवर को भी आराम से क्लियरिंग करके ये खाना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो ऐसे फ्लाई सिटिंग बर्ड लाइक ये जैसे ओवल है, ओवल रात के टाइम पे अपना शिकार करता है। कोई भी इसको जानवर दिख जाता है तो वो इजीली उसको अपने बीक से पकड़ लेता है। एंड वल्चर, वल्चर आपने दिन में देखे होंगे, गिद्ध वगैरह कोई भी जानवर मर जाए तो उसके आसपास में वल्चर घूमते दिखाई देंगे। उनकी कितनी शार्प पॉइंट आगे पॉइंटेड वाली घुमावदार पॉइंटेड पीक होती है, वो इजीली उस जानवर को इजीली से अपने मुंह में हैंग करके उड़ सकती है। ओके, हैव ए स्ट्रॉन्ग कर्व बीक, उनकी घुमावदार जो बीक है वो आगे घुमाओ से लंबी और घुमाओ वाली होती है, और टियरिंग द फ्लैश, और अपने मीट को वो आसानी से फाड़ के तोड़ मोड़ के खा सकती हैं। ओके, अब आगे देखिए क्रैक के बीक कि मतलब कैसे वो क्रैक करके फोल्ड करके उस चीज़ को खाता है। कौन है ये? पैरेट, है ना। तो सम बर्ड्स आर द लाइक ए पैरेट, ईट फ्रूट द फ्रूट एंड नट्स, दे हैव द कर्व बीक टू क्रैक द नट्स। अब इनकी जो बीक है हल्की सी घुमावदार होती है, वो इजिली, हाँ यस, देखिए आ गया आप क्रैकिंग बीक्स। तो जो हमारे पैरेट्स वगैरह हैं वो आराम से कोई भी जो फूड्स हैं, नट्स वगैरह हैं, उसको आराम से क्रैकिंग करके खा सकते हैं। ओके, तो दे हैव टू कर्व द बीक एंड टू क्रैक अ हार्ड नट्स वगैरह, ये किसी प्रकार के नट्स वगैरह हैं उनको इजीली तोड़ सकते हैं, कि जो बीक होती है बहुत हल्की सी कर्व की होती है। ओके, अब देखिए आप क्रशिंग बीक, जो कि कोई भी चीज़ क्रश करके मतलब उसको रगड़ के या फिर तोड़ फोड़ करके खा सकता है, वो कौन है? क्रो। ओके, द सम बर्ड्स लाइक अ स्पैरो, जो चिड़िया है वो भी उसकी भी बीक ऐसी होती है जो क्रश कर लेती है। और पिजन है वो भी आराम से, उसकी छोटी बीक होती है और इजीली कुछ भी ये इंसेक्ट्स वगैरह खा सकते हैं। क्रो एंड हैन ईट ग्रेन्स एंड सीड्स, तो जो क्रो है एंड हैन है जो मुर्गी है वो भी इजीली सीड्स वगैरह भी खा सकते हैं, प्लस मीट वगैरह भी खा सकते हैं ये लोग। ओके, दे हैव ए शॉर्ट एंड हार्ड बीक फॉर ए क्रशिंग द ग्रेन्स वगैरह, कुछ भी किसी भी प्रकार के हार्ड जो ग्रेन्स है, दाना वगैरह है, इजीली उसको फोड़ करके खा लेते हैं, है ना। तो उनकी जो छोटी बीक होती है बट उनकी बीक बहुत ही हार्ड होती है, और वो इजीली उसको जो नट्स वगैरह है उसको इजीली से फोड़ करके तोड़ करके उसको इजीली खा सकते हैं। ओके, तो आप ये देखें, आपने अभी देखिए जो टाइप्स ऑफ बीक कि किसकी बीक कैसी होती है, कौन सी बीक हार्ड होती है, कौन सी बीक लंबी होती है, और किस प्रकार से अपना फूड करती है। ओके, तो अब आप आगे देखिए कीप एन आई, अ बीक ऑल्सो है हेल्प इन द शिफ्टिंग मटेरियल टू अ फाइंड वॉर्म्स और अ ग्रेन, कैरी फूड टू द नेस्ट एंड फीडिंग द बेबीज। अब जैसे ही बर्ड्स हैं सारी अपनी बेबीज को कैसे करके, चाहे किसी भी प्रकार के वो है द फूड है, तो उसको वो क्या उनकी जो बीक है उसी प्रकार से शिफ्टिंग होती है उनकी, है ना, टू फाइंड द वॉर्म्स टू ग्रेन्स, चाहे वो छोटे छोटे से इंसेक्ट्स हो, वॉर्म्स वगैरह हो, या फिर ग्रेन दाना वगैरह कोई भी हो, तो उसको वो कैरी फूड टू द नेस्ट, अपने बच्चे के लिए अपने जो नेस्ट है वहाँ तक लेकर के जाती है उसको तोड़ करके, और एंड फीडिंग द बेबी, और अपने जो क्रश करके अपने बेबीज को उसको फूड को खिलाती हूँ, है ना। तो उनके जो अपने मतलब वो बच्चे अपने माँ पे डिपेंडेंट होते हैं, जब तक वो उनके पंख नहीं आते तब तक वो अपनी माँ से ही फीडिंग करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट पार्ट कल मैं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट करवाऊंगी, तो आप इसको रीड करिएगा। ओके, थैंक यू।